अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क ऑन साइंस अवेयरनेस बुक. सो लेट्स टेक आउट द बुक एंड टेक आउट लेसन नंबर 13. आपको मैंने लेसन नंबर 13 करवा दिया है. व्हाट यू हैव टू डू टुडे, यू हैव टू लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. आप स्पेलिंग के समेत इन वर्ड्स को याद करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस क्लोजर अर्थ, ऑन द नेक्स्ट पेज ब्राइड, सीम्स, चेंज, मोस्टली एंड sunlight, right? These are the difficult words that you will learn, and you will learn also these true false from part A to F. आपने इसमें difficult words याद करने हैं, ठीक है, lesson number 13 के. और true false जो मैंने आपको दिए थे, करवाए थे, वो आपने याद करने हैं, ठीक है. उसके बाद आपको मैं याद दिलाती जाऊँ, आप लोगों ने यहाँ dates mention करनी है. आप क्या dates mention कर रहे हैं? अगर नहीं करें तो आप डेट इंटरनेट ओपन करें, उस पर आपको वेदर की रोज़ की अपडेट्स आ जाती हैं. आप उससे देख के वेदर यहाँ पे देखें, जिस दिन क्लाउडी होता है, बल्कि वेदर की डेट आप देख के आप मून को देख लें, उसकी शेप देख लें, मून की हेल्प ले लें इंटरनेट से, और फिर डेली देखा करें कि मून कैसा. अगर मून नहीं नज़र आया तो नो मून लिख दें उसकी जगह, ठीक है. और उस दिन की डेट लाजमी लिखनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आज की डेट लिखते हैं 5/1/2021, ठीक है, तो आज अगर इतना चांद है, कल थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, फिर ठीक है, कल की डेट 6 थोड़ा सा बड़ा कर दें, 6/1/2021 इस तरह लिख लें. या एक दिन के गैप से अगर बना लें तो और मोटा कर दें. जिस जिस दिन आपने चांद देखना है, आपने वो डेट्स यहाँ पे मेंशन करनी है, 4 डेज की डेट्स मेंशन करनी, ठीक है. आज का काम सिर्फ लर्निंग का है, ओरल वर्क दे रही हूँ. हम नोटबुक वाला काम इंशाल्लाह कल करेंगे. Till then, Allah Hafiz.